रोहतक में पार्टी की टिकट न मिलने से नाराज टिकटार्थी पार्टी को छोड़ रहे हैं और उसी कड़ी में लवलीन टुटेजा आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। लवलीन टुटेजा पिछले काफी सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, आम आदमी पार्टी से रोहतक विधानसभा की टिकट के दावेदार थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट ना देकर बिजेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाया, जिसे लवलीन नाराज हुए और साथ ही पार्टी को अलविदा तक कह दिया। वहीं टिकट में देरी को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया और कहा कि टिकटों में कोई देरी नहीं हुई, देरी तो बीजेपी में हुई। और वहीं भगदड़ के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई भगदड़ नहीं है, भगदड़ देखनी है तो बीजेपी में देखो। इनका सभी साथियों का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रिश्वत जाते हैं इनको पार्टी में उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत साथियों। देरी कहाँ होगी लिस्ट? बीजेपी की भी तो कल आई है, आज भी कांग्रेस की भी कल आई है।